आस्था के केंद्र और विरासतों पर कुठाराघात करने और स्थानीय प्रशासन को गुमराह कर नगर और जिले की शांति को भंग करने वाले मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु सौंपा ज्ञापन। तराना नगर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में स्थानीय महितपुर नाके से वाहन रैली स्वरूप नगर में प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील प्रांगण पहुंचे, जहां कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि तराना के मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा तराना प्रशासन को एक आवेदन के माध्यम से भ्रामक जानकारी दी गई, जिसमें के पास से मुस्लिम समुदाय के पत्र ने तराना प्रशासन को कितना भ्रमित किया कि प्रशासन इधर उधर बंगले झांकने लगा। उक्त पत्र में जो ओटले को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह ओटला मुस्लिम समुदाय की उस दरगाह से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके बीच बड़े रूप में रोड क्रॉस भी हो रहा है। साथ ही उनके आरोप में बताया कि उक्त ओटले की जगह पर मुहर्रम में कार्बल किया जाता था, जो नगर में बड़े विवाद की जड़ बन रहा है, क्योंकि बस स्टैंड पर तराना के इतिहास में कभी भी कार्बल नहीं पहुंचा। उसका स्थान नगर के अंदर पहले से तय है, सिर्फ कुछ ही पितरतबाजों को वहाँ बना त्रिवेणी पेड़ का ओटला खटक रहा है, जिसका निर्माण भी नगर परिषद तराना द्वारा विगत एक वर्ष पूर्व किया गया था और उसका कार्य भी शेष है। इसके बावजूद मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा थाना तराना उस पत्र की जांच के बिना परिषद की ही संपत्ति को अतिक्रमण समझकर विगत दिनों पूर्व रात के 11 बजे वहां का निर्माण मटेरियल सामग्री जब्त कर ली जाती है। इसके साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा प्रशासन और हिंदू समाज को गुमराह कर नगर को बड़े सांप्रदायिक विवाद में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके हेतु आपसे निवेदन है कि उक्त मुस्लिम समाज के लोगों पर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की बात कहें। हिंदू आस्था के अनुसार नीम पीपल और बरगद तीनों पेड़ एक साथ जहाँ भी होते हैं त्रिवेणी नाम से जाने जाते। अर्पित बोडाना की रिपोर्ट। प्रशासन को ज्ञापन दिया SDM महोदय को, तराने में बस स्टैंड पर अवैध मुस्लिम लोगों का कब्जा, त्रिवेणी के यहाँ पर जहाँ पर तीन जा रहे त्रिवेणी को जो पूजा जाता है उन पर अवैध कब्जा हुआ है। इसके लिए जिन लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया था मुस्लिम वर्ग के, उन पर कार्रवाई की जाए, इसी हम मांग करते हैं। क्यों, क्या आवेदन दिया था उन्होंने? आवेदन दिया था कि यहाँ पर उनका पुराना वो मलवा हलवा कोई जलता है, जबकि यहाँ पर पुरानी नगर परिषद में ही वह त्रिवेणी थी और आज तोड़ी गई और नगर परिषद द्वारा ही उसको वापस तोड़ा गया, उन लोगों के आवरण निर्माण किया गया। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से इनकी मांग करेंगे कि वहां पर हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाले के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और वहां ओटले का व्यवस्थित निर्माण किया जाए। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन हमने 5 दिन की चेतावनी दी है और अगर इसके बाद भी अगर प्रशासन अलर्ट नहीं हुई तो उग्र आंदोलन राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा किया गया।